अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के ब्लॉग के अंदर। आज के ब्लॉग में आप बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हम जो ना लगाना है हमने एसी। ये हमारा जो एसी पड़ा हुआ 2 टन का, पूरी इंस्टॉलेशन गाइड आपको शेयर करेंगे कि आपने एसी जो है ना किस तरीके से लगाना है और बेस्ट तरीका कौन सा है अच्छे एसी को लगाने के लिए। तो आज अभी जो है ना एसी टेक्नीशियन आ रहा है, ये हम एसी को इंस्टॉल भी करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे अभी कि इनका रिजल्ट कैसा है सब एसी की। बहुत सारे लोग कर रहे थे डिमांड के एसीज के बारे में बताएं कि वो किस तरीके के आपके हैं, तो मैं 3-4 एसीज का कंपैरिजन भी बताऊंगा कि सबके यूनिट कंजप्शन वो कितनी है और कौन सा एसी बेस्ट है। ये 2 टन का एसी है, इसकी कंजप्शन भी देखेंगे, 1.5 टन का एक लगा हुआ वो उसकी कंजप्शन भी देखेंगे स्टार्ट भी, और उसकी स्मूथ होने के बाद जब वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा दोनों साइडों पर उसकी उस वक्त की वो देखेंगे। लो जी, एसी आउटडोर हमारे छत के ऊपर पहुंचा दिया है और यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी हमारा एसी लगा हुआ था, उसकी सुराख वगैरह हुए हुए थे, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, तो ये भी लगाते हैं इसको। हमारे जो एयर कंडीशनिंग जो टेक्नीशियन है वो आ चुके हैं, अभी नेक्स्ट काम उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वो अभी इनडोर की पहले फर्स्ट इंस्टॉलेशन करेंगे और इनडोर लगाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सुराख वगैरह हुआ है, इसलिए ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें क्योंकि ऑलरेडी वो है हमारा। बाकी उसकी सप्लाई भी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा प्लग एंड प्ले सिस्टम है बस, ये प्लेट लगानी है इसके ऊपर, ये प्लेट लगाएंगे पहले। ये अभी जो ना अलाइनमेंट हो रही है इसकी, ब्रैकेट लगाने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, तो हैंग करने के लिए होती है और इसको लेवल ये इंडोर का आउटडोर के साथ जो कनेक्शन है ना वो किया जा रहा है, और इसका प्लग लगाने के लिए वो भी कनेक्शन यहाँ से, ये इसको क्या बोलते हैं डीपी बॉक्स, मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर जो लें जी। इंडोर तो उन्होंने जो लगा के इसकी जो पीछे ब्रैकेट होती है ब्रैकेट लगा के उसके अंदर लटका दिया, अभी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, इसको लगाना भी एक थोड़ा सा पंच करके अंदर जो है ना प्रॉपर फिक्स करना होता है उसके क्लैंप के अंदर, वरना वो हिलता रहता है। यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट इनडोर जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस इसकी जो है ना आउटडोर के साथ अभी कनेक्शन वगैरह बाकी हैं, इसकी अलाइनमेंट वगैरह हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम आता है ना वो पानी जो ना ड्रेन पानी का प्रॉब्लम बढ़ा था, उसके लिए मैं स्पेशली इसके ऊपर खड़ा रहा हूँ कि ड्रेन पानी वाला पाइप प्रॉपर लगे। अभी आउटडोर के ऊपर काम स्टार्ट हो गया, टेक्नीशियन भाई हमारे आ चुके हैं ऊपर, गर्मी इतनी शदीद है कि बता नहीं सकते, और ये जो है ना थोड़ा सा मैंने रखवाया ऊपर करके क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं थी। नहीं, आउटडोर इंस्टॉल हो चुका है, इसकी लीकेज वगैरह चेक की जाती है वो फोम मेथड के थ्रू, के वो सरफ का एक महलूल बना के चेक करते हैं कि लीकेज वगैरह तो नहीं है, और टाइट वगैरह करते हैं उसको चेक करते हैं प्रॉपर जो है ना पूरे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ये फोम और सरफ का पाउडर बना के ना उसके लिक्विड बना के फोम चेक करते हैं कहीं पर लीकेज वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, काम मुकम्मल हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी थक गए हैं, 3-4 घंटे लगे, कौन सा यूनिट क्या कितने यूनिट लेता है और कूलिंग कैसी है, बच्चों की फीडबैक ही लेंगे क्योंकि मैंने चलाया था अभी 1-2 घंटे के लिए, वहाँ सफाई होने वाली, सफाई करवाते हैं कमरे की, सफाई हो जाएगी तो फिर उसके बाद। अभी जो है ना थकावट हो चुकी थी, चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो है ना फिर बाकी बच्चे जो है अपना काम शाम कर रहे हैं और चाय पीने के बाद बाकी सारा फिर आपसे डिस्कस करते हैं। 1.5 टन का हायर इन्वर्टर एसी है, डीसी इन्वर्टर एसी है, आप चेक कर सकते हैं, ये पर्ल सीरीज है और ये वाला जो है ना बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट, हमें तो बड़ा हम पसंद आया, यानी कि हम माशाल्लाह 3 साल से चला रहे हैं, 2.5 दिन तीसरा सीजन है इस बार चला रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट। तो अभी जो TCL का एसी हमारा फिट हो चुका है, कमरे की सफाई हो चुकी है, वहां पे बहुत ज्यादा गंद हो चुका था, अभी थोड़ी देर में हम चेक करवाने के लिए लेके जाते हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन। तो अभी जो है ना दूसरे रूम में चलते हैं, वहां पे मैंने चलाया था अभी, आज ज्यादा एसी चलाया नहीं अभी क्योंकि ज्यादा एसी चलाने की रीजन ये थी कि एक तो थक बहुत गए थे उनके साथ ऊपर छत पे जाके नीचे ये वो करते हुए, और दूसरा ये कि आज जो है ना इसका इशू आने वाला है, इसका जो जेन्युइन केबल थी ना वो इतनी छोटी थी कि इसके आउटडोर के साथ इंडोर के साथ जो है ना आउटडोर से इंडोर के साथ कनेक्ट होती है केबल, और इसमें पहले जो एसी थे उसमें जो है ना इंडोर से यहाँ पे केबल आती थी, लेकिन अभी ये जो है ना केबल लेके आए हैं इसका जो है ना इशू रह गया, ये इशू छोटे वाला लगाया था इसके ऑर्डर डाला मैंने, और इसके ऊपर जो है ना अभी इस एसी के अंदर ये सिचुएशन है कि इसके आउटडोर से डायरेक्ट सप्लाई जो है ना स्विच के अंदर आनी है, स्विच हमारा दूर था तकरीबन 15 फुट जो है ना केबल, यानी कि 30 फुट केबल जो है ना ये 7 उन्नति कहते हैं उसको, 7 उन्नति केबल जो है ना ये लगी है, देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त है, चेक करें माशाल्लाह एसी तो जबरदस्त लग गया, सिर्फ ये जो केबल है ना ये हमें डालनी पड़ी है क्योंकि बहुत ज्यादा वो लेंथी केबल चाहिए थी, इसकी पहले वाले जितने भी एसी हैं ना उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि आप जो केबल है ना उसकी
इंडोर के अंदर से ही सप्लाई मिल जाती थी सारे एसीयों के अंदर, और लेकिन इसका जो थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है हायर के या दूसरे एसीयों के साथ, इसका इसकी आउटडोर से केबल आती है सप्लाई की और वो लगती है इस बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। बेड हमारा यहाँ पे भी रेडी है, हमने एसी चलाया था यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा चलाया था, उसके बाद सफाई करने वाली थी, सफाई सताई होगी है, ये भी सीढ़ी वगैरह उठाने वाली है यहाँ पे, और ये बेड हमारा सेट हो चुका है यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरे का पूरा रूम हमारा सेट है ना, अभी बिल्कुल माशाल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। कलर इसका जो है ना लाइट लाइट के डार्क ग्रे भी नहीं है और लाइट ग्रे भी नहीं है, दरमियाना सा कलर है। हाँ वो डार्क ग्रे है, उससे थोड़ा सा चेंज है इसका कलर, आप देखें थोड़ा सा अंदाजा होगा आपको, ये वाला कलर है इसका ACL का, मेटालिक ग्रे टाइप कलर है थोड़ा सा, है बहुत प्यारा। हाँ इसका उठा के ले गए हैं यहाँ पे, गत्ते वगैरह पड़े हैं, इनको भी किसी खाते में लगाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना हमने नेक्स्ट जो नया घर बनाना है तो उसके अंदर जब शिफ्ट करेंगे तो ये ज़रूर उतारना पड़ेगा, फिर पैकिंग करके ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी तो गत्ता संभाल लेंगे, क्योंकि ये ऊपर हमारा स्टोर है वहाँ पर रख देंगे। मिठू भी ले गया कुछ, और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना हम ऊपर जा रहे हैं अभी, अभी 5:45 है सिचुएशन, प्लेयर्स इस वक्त धोने वाली हैं, उनकी प्रोडक्शन 1 kW ऑलमोस्ट कम हो गई है, किस लिए कि जो है ना प्लेट्स के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, 3 हफ्ते हो गए तकरीबन मैंने वाश नहीं की प्लेटें, मैं दिखाता हूँ। ये है जी हमारा माशाल्लाह TCL का न्यू AC इंस्टॉल हो चुका है, ये चेक करें माशाल्लाह, ब्रांड न्यू AC, और ये ब्रांड न्यू उसकी, ये जालियाँ देखें इसकी माशाल्लाह, आप ये पहले ये चेक करें, ये है 2 टन का आउटडोर, ठीक है, अब यहाँ से आप ये हमारा है 1.5 टन का आउटडोर, आप फील फ़र्क फील आपको हो रहा होगा, ये देखें इसकी विड्थ देखें, और सेम जो है ना इसकी विड्थ देखें, ये हमारा 1.5 टन का और हायर का DC इन्वर्टर है ये, लेकिन उसके हिसाब से तो बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, ये देखें इसकी स्पेक है सारी आपको नजर आएंगे, कितना कितना देना है इसमें, स्टार्टिंग अपेयर जो है ना ये आप देखें, करंट इसका 12 अम्पेयर उन्होंने लिखा है 1.4 से 13 अम्पेयर तक, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा लेगा, लेकिन जब चलाएंगे ना एक्चुअल अम्पेयर मीटर हमारे पास आ जाए फिर इसके दिखाते हैं। ये हमारा जो है ना मैंने एक जुगाड़ लगाया है, इसका हमारा जो हुड है ना वो लगने की स्पेस नहीं छोड़ी, ये छत में दीवार करवानी थी, लेकिन आप ये एग्जास्ट फैन की सिचुएशन देखें, आयल्स की वजह से जो सिचुएशन हुई है, ये पेंट वाली बाल्टी लेके मैंने उसके ऊपर जो है ये एग्जास्ट लगवाया, लेकिन ये फेल हो गया, अभी ये मुझे लगता है कि जल गया है ये, ऑलमोस्ट अभी चलता ही नहीं है, ये इतना ज़्यादा पेंट गिरा है इसके अंदर, ये नहीं जल रहा अभी भी, मैंने होल्डर ऑर्डर किया है, अभी फ्लेम होल्डर लगवाएंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर ही हो जाएगी काफ़ी। इस ये वाली फ्लॉप गया है हमारा, और इस टाइम भी इतनी गर्मी है, 6 बजे का टाइम है, इतनी शदीद गर्मी है इस टाइम पे भी, क्या हालात हैं, लेकिन ये कुछ हमने घास घूस छोड़ा हुआ है, बाकी पौधे मोस्टली जल चुके हैं सारे के सारे, चेक करें आप पूरे पौधे जल चुके हैं, और हमारे AC जो है ना दोनों माशाल्लाह, ये वाला AC का आउटडोर तो बहुत ही बड़ा है, और ये जब चलता है ना तो इसकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे वही जो प्लांट चल पड़ा हो, बड़ी शदीद आवाज़ है इसकी, बहुत ज़्यादा आवाज़ है आउटडोर की। जो है ना प्लस्तर करवा दिया था, इनके जो ऊपर वाले पिलर हैं इनको भी प्लस्तर करवा दिया था, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे फील हो रहे हैं अभी, ये देख करें माशाल्लाह, ये इनको पानी लगाने वाला है, अभी भूल गए थे हम AC लगवाने के चक्कर में ना भूल गए थे इनको पानी लगाना, अभी पानी लगाते हैं, बच्चों से कहते हैं मोटर चलाएं, मिट्टी से हालत देखें आप, यकीन करें दो दो के हम पागल हो गए हैं, लेकिन इनका मिट्टी नहीं ख़त्म हो रही है, देखें चेक करें मिट्टी की जो सिचुएशन है ना, ये सबसे मुश्किल काम ये इनको धोना है। अभी आज के दिन जो है ना अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और मुझे पास अम्पेयर मीटर नहीं था, अम्पेयर मीटर ना होने की वजह से मैंने मेरे पास था एक, लेकिन वो ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा, अम्पेयर मीटर मुझे मिला नहीं है, इसकी वजह से मैं इसके एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं आप लोगों को शेयर कर सकता, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कल तक या परसों तक मेरा जो ना शिपमेंट आ जाएगी, वो जिसमें एम्पेयर मीटर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, जो ही आता है तो आप लोगों से 4 टाइप के AC जो है ना उनकी मैंने जो इलेक्ट्रिकल
कितनी वो कंजप्शन करते हैं वो सारी शेयर करूंगा। और ये 2 टन का एसी जो है ना पीक टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, 1.5 टन का एसी पीक टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है और स्टेबल होने के बाद कितने एम्पीयर्स लेता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सारी बातें जो है ना नेक्स्ट वीडियो, आपको जो वीडियो लंबी हो रही थी आज क्योंकि इंस्टॉलेशन की मैंने वीडियो दिखाई है उसमें भी काफ़ी कुछ यानी कि बताने वाला था वो मैंने दिखाया, तो वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बताऊंगा। मेरे घर में जो है इस वक्त 1 टन का एसी भी लगा हुआ है, 1.5 टन का भी लगा हुआ, 2 टन का भी लगा हुआ और दूसरा कैनवुड का भी लगा हुआ, ग्री का भी लगा हुआ, हायर का भी है और TCL का भी है। तो सबका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मैं कि किस के कौन कौन सा एसी कितने कितने वाट स्टार्टअप पे लेता है और कितने वाट स्टेबल होने के बाद लेता है और पीक टाइम पे और मिनिमम कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है। ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी आपकी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी हालत इस वक्त मैं छत पे गया था, तीसरी छत पे, तो वो ट्राई करनी थी क्योंकि वो जो पिलर्स बनाए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पसीना आया, तो वापस आया हूँ मैं भी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।